Hello dear students, today in this class we will discuss about three different types of sentences according to their structure. आज के इस लेसन में हम लोग वाक्य के तीन प्रकार के बारे में जानेंगे उनकी संरचना के अनुसार. This lesson is a grammatical lesson and it will help you to solve the exercise of grammar portion from the lesson number 6 of Mile the Mist Upon the Hill, where in exercise 3 and exercise 4 you have to face this grammatical topic. Is lesson ke baad aap aasani se Mile the Mist Upon the Hill लेसन नंबर 6 में जो एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 है उसे आसानी से समझ पाएंगे और उसे हल कर पाएंगे, उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक्सरसाइज इसी सेंटेंस पर आधारित है. तो अंग्रेजी में वाक्य की संरचना जो है वो तीन प्रकार से हुई है. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के अनुसार हम सेंटेंस को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं. फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, पहला जो है वो है सरल वाक्य. सेकंड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है. एंड द थर्ड इज कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन what is a simple sentence and how we can identify it, what are its features. Then we will discuss complex sentence and its characteristics and how we can form a complex sentence. And the third, what are the features of compound sentence and how we can identify it and how we can form it. तो पहले हम लोग सरल वाक्य सीखेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, इसे पहचानने का तरीका क्या है, या सरल वाक्य को हम कैसे लिख सकते हैं. उसके बाद हम मिश्रित वाक्य सीखेंगे कि मिश्रित वाक्य की विशेषताएं क्या होती हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसे हम कैसे बना सकते हैं या लिख सकते हैं. और आखिर में हम सीखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं. सो फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सरल वाक्य किसे कहते हैं. अ सिंपल सेंटेंस इज वन दैट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड. ये नेसफील्ड का दिया हुआ डेफिनेशन है कि एक सरल वाक्य में जो होता है उसमें क्या है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट या कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और एक ही फाइनाइट वर्ब या समापिका क्रिया होती है. अब सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए फाइनाइट वर्ब को समझना ज़रूरी है. फाइनाइट सिंपल सेंटेंस में हमने समझ गया कि एक कर्ता होता है, एक सब्जेक्ट एक होता है, लेकिन ये एक फाइनाइट वर्ब, एक वर्ब नहीं कहा गया है, एक ही फाइनाइट वर्ब होता है. मतलब उसमें फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए, इनफाइनाइट वर्ब उसमें दो तीन चार जितने मर्जी हो सकते हैं. तो इसको पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए फाइनाइट वर्ब फिर किसे कहते हैं. जैसे कि आप एक सेंटेंस का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसको ध्यान से सुनिए या देखिए. He goes to school to read and write. He goes to school to read and write. अब ये किस प्रकार का वाक्य है, तो मैंने कहा कि हमें सबसे पहले देखना होगा कि उसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है. अगर एक एक है तो ये सिंपल सेंटेंस है. तो सब्जेक्ट तो हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही करता है. कौन? ही इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. तो एक सब्जेक्ट है, ये हमारा करेक्ट हमको मिल गया. अब फाइनाइट वर्ब हमें यहाँ पर कितने हैं, एक है या एक से ज़्यादा है. एक से ज़्यादा अगर होंगे तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे पहले हम जानने के लिए कि फाइनाइट वर्ब है कि नहीं, उसके पहले हम वर्ब को ही अंडरलाइन कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने वर्ब हैं. तो पहला एक वर्ब हमें यहाँ पर क्रिया मिल रहा है गोज़, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. फिर हमें एक क्रिया मिल रही है टू रीड, और फिर एक राइट, ये भी वर्ब है, ये भी क्रियाएं हैं, कि वो जो लड़का है, विद्यार्थी है, वो स्कूल जाता है पढ़ने और लिखने के लिए. तो जाना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, लिखना भी क्रिया है.
तो यहाँ पर इस वाक्य में देयर आर थ्री वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में तीन वर्ब्स हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस कैसे हो सकता है? लेकिन अभी भी हमने नहीं कहा कि इसमें फाइनाइट वर्ब एक है कि नहीं। तो फाइनाइट वर्ब की परिभाषा क्या है? फाइनाइट वर्ब की परिभाषा ये है कि अ फाइनाइट वर्ब इज़ लिमिटेड बाय पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड चेंजेस इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंसेस। फाइनाइट वर्ब या समापिका क्रिया सब्जेक्ट या कर्ता के पर्सन और नंबर तक सीमित रहती है और ये टेंस के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करती है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? ये वैसा ऐसा वर्ब है जो सेंटेंस के नंबर या पर्सन, मतलब अगर सब्जेक्ट जो है अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसका फॉर्म अलग होगा, सेकंड पर्सन है तो उसका फॉर्म बदल जाएगा, उसके बाद नंबर अगर सिंगुलर है तो कुछ और, प्लूरल है तो कुछ और आखिर में ये टेंस के अनुसार अपने को बदल लेते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसका रूप कुछ और है, पास्ट टेंस में लिखेंगे तो इसका रूप बदल जाता है। तो ये फाइनाइट वर्ब की पहचान है कि ये अपने को कर्ता के पर्सन और नंबर के अनुसार टेंस के साथ अपने को बदल लेता है, तो ये फाइनाइट वर्ब। और जो वर्ब ऐसा नहीं करते हैं, जो अपने को सब्जेक्ट के पर्सन नंबर या टेंस से अपने को नहीं बदलते हैं, तो वो इनफाइनाइट वर्ब कहलाते हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, जिसे हम शॉर्ट में इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, ही गोज़ टू स्कूल टू रीड एंड राइट, वो स्कूल जाता है पढ़ने और लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम अगर पहले वर्ब को डिस्कस करें जो गोज़, जो गो का, तो ये गोज़ जो है ये किस टेंस में है? ही गोज़ टू स्कूल मतलब जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ये ही को अगर हम सब्जेक्ट को बदल दें, ही की जगह अगर हम आई करें, तो क्या ये गो गोज़ ही रहेगा या अपने को बदल देगा? तो आप देखिए, अगर आप वाक्य को आई सब्जेक्ट को बदल दीजिए, सब्जेक्ट का पर्सन बदल दीजिए, थर्ड पर्सन से इसको फर्स्ट पर्सन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? आई, आप देखिए यहाँ पर आप गोज़ नहीं लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में आप आई के साथ गोज़ नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या करना होगा? आई गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। तो इसका मतलब ये गोज़ जो वर्ब है उसने जैसे ही सब्जेक्ट का पर्सन बदला उसने अपने आप को बदल लिया। और एक तरीके से भी देख सकते हैं, टेंस बदल कर देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस था, चलिए मान लेते हैं पास्ट टेंस कि वो पहले स्कूल पढ़ने जाता था, अभी नहीं जाता है। तो अगर पास्ट टेंस में ये वाक्य हम लिखेंगे तो ये क्या होता? ही अब गोज होगा क्या पास्ट टेंस में? तब तो गोज नहीं होगा। पास्ट टेंस हम करेंगे तो ये वेंट हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल टू रीड एंड राइट, वो स्कूल जाता था पढ़ने और लिखने के लिए, अभी नहीं जाता है। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने टेंस को भी बदला तो ये गोज वर्ब जो है ये वेंट में बदल गया। तो इसका मतलब ये अपने को परिवर्तन कर लेता है नंबर के साथ, पर्सन के साथ, टेंस के साथ। तो जो वर्ब ऐसा करते हैं उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो हमें पता चल गया ये गोज जो है इस वाक्य में फाइनाइट वर्ब है। अब हम दूसरे तरफ जो वर्ब थे दो, रीड और राइट, उसकी तरफ आते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये क्या फाइनाइट वर्ब हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। तो हम टेंस को हम बदल के देखते हैं, हम इसको पास्ट टेंस कर लेते हैं। ही वेंट टू स्कूल टू रीड एंड राइट, यहाँ तो कुछ नहीं बदल रहा है, रीड भी नहीं बदल रहा है, राइट भी नहीं बदल रहा है, क्योंकि इसके आगे टू लगा हुआ है, इन्फिनेटिव लगा हुआ है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इन्फिनेटिव है ये। तो अगर हम पास्ट टेंस भी कर रहे हैं तो यहाँ पर सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ही वेंट टू स्कूल टू रीड एंड राइट, वो स्कूल जाता था पढ़ने लिखने के लिए। अब अगर हम पर्सन को चेंज कर दे रहे हैं, ही की जगह आई लगा दे रहे हैं, तब देखते हैं यहाँ कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं। आई गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने लिखने के लिए। अरे यहाँ गोज़ तो गो में बदल गया आई के साथ, लेकिन ये टू रीड एंड राइट ये लोग तो नहीं बदले। तो इसका मतलब ये जो टू रीड एंड राइट, टू रीड एंड राइट ये वाला जो हिस्सा है वर्ब का, ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट का पर्सन भी बदल रहे हैं या टेंस भी बदल रहे हैं मेन वर्ब का, तो भी ये अपने स्थान से, अपने जगह से हिल नहीं रहे, अपने को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है।
तो इसका मतलब इस पूरे वाक्य में ऐसे तो कुल मिलाकर 3 वर्ब थे, लेकिन फाइनाइट वर्ब इस वाक्य में कितना है, एक ही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में एक कर्ता और उस कर्ता के साथ एक ही फाइनाइट वर्ब हो, जो पर्सन नंबर या टेंस के साथ अपने को परिवर्तन कर लेता है, ऐसा वर्ब एक ही होना चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब उसमें 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी हो सकते हैं। तो ये है सिंपल सेंटेंस की परिभाषा। तो इसको पहचानने का बहुत तरीका है, आसान है इसको, कि हम अगर वर्ब को आइडेंटिफाई करें कि उस वाक्य में कितने वर्ब हैं, और अगर उस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब अगर हमें दिख रहा है, एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब दिख रहा है, तो वो सरल वाक्य है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट कंटेन्स वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज और क्लॉजेस। मिश्रित वाक्य क्या वाक्य है? जिस वाक्य में एक ही प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब प्रधान वाक्यांश, वाक्य का अंश जिससे हमें अर्थ समझ में आता है, जिसमें कर्ता क्रिया सब होता है और जिससे हमें कुछ वाक्य के बारे में पता चलता है, तो जिसमें एक प्रधान वाक्यांश है और एक से अधिक आश्रित वाक्य उस पर हो सकते हैं, ऐसे वाक्य को हम लोग मिश्रित वाक्य बोल सकते हैं, बोलते हैं। जिसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मतलब एक ही प्रधान वाक्यांश है, और उस वाक्य पर, उस वाक्यांश पर और दूसरे आधारित वाक्यांश मौजूद हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, प्रधान वाक्यांश और आश्रित वाक्यांश, ये सबऑर्डिनेट लिंकर से जॉइंट होते हैं, ये सबऑर्डिनेट लिंकर से जॉइंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है दैट, विच, हाउ, ठीक है, अनलेस, इस तरह से कई सारे सबऑर्डिनेट लिंकर्स हैं जिनसे ये जॉइंट होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई नो दैट ही इज पुअर, आई नो दैट ही इज पुअर। अब देखो इसमें क्या बात है, आई नो दैट ही इज पुअर। अब इस सेंटेंस में आई नो, इसमें ये आई नो क्या है, मैं जानता हूँ, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये किसी पर आधारित नहीं है, सब्जेक्ट है इसमें, वर्ब है, मैं जानता हूँ। दैट क्या, कि क्या जानता हूँ, दैट ही इज पुअर, कि वो एक गरीब इंसान है। दैट ही इज पुअर, अब ये दैट ही इज पुअर ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये आधारित है, क्योंकि अगर हम बिना, हम लोग अगर प्रिंसिपल क्लॉज को हटा दें तो हमें वाक्य का पूरा अर्थ पता नहीं चल रहा, कि वो गरीब है, कि वो गरीब है, तो इससे क्या हुआ, कि वो गरीब है, तो यह आधा सेंटेंस हो गया, आधा वाक्य हो रहा है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज पर आधारित है, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये देखो आई नो जो मेन क्लॉज था, और ही इज़ पुअर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये किससे जॉइंड है, दैट, दैट बोलकर सबऑर्डिनेट लिंकर से जॉइंड है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है, कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रधान वाक्यांश, और उस पर कई सारे आश्रित वाक्यांश मौजूद हो सकते हैं, जो कि प्रधान वाक्यांश से सबऑर्डिनेट लिंकर से जॉइंट होते हैं। दैट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह से कई सारे सबऑर्डिनेट लिंकर्स हैं जिनसे वो जॉइंट होते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका भी बहुत आसान है, कि वहाँ पर एक प्रधान वाक्यांश होगा और उस पर आधारित कई सारे आश्रित वाक्यांश हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा, ऐसे वाक्यों को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब तीसरा, कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। अब ये जो संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से ज़्यादा स्वतंत्र वाक्यांश होते हैं और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से ज़्यादा
स्वतंत्र वाक्यांश होते हैं और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइंट होते हैं, जैसे उदाहरण एंड और बट एज वेल एज आइदर और नाइदर नॉट येट, इन जैसे कंजंक्शन से ज्वाइंट होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अब इसको पहचानने का क्या तरीका है? संयुक्त वाक्य मतलब इसमें दो वाक्य हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर आधारित नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं और ये दोनों ज्वाइंट हैं किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइंट है। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आई हैव ए बैट एंड माय ब्रदर हैज़ ए बॉल, मेरे पास एक बैट है और मेरे भाई के पास एक बॉल है। तो आई हैव ए बैट, ये एक पूरा अपने में एक वाक्य है, एंड और माय ब्रदर हैज़ ए बॉल। अब देखिए माय ब्रदर हैज़ ए बॉल, ये भी अपने में एक पूरा वाक्य है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों वाक्य जो वाक्यों के अंश हैं ये किससे ज्वाइंट है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से ज्वाइंट किए हुए हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, संयुक्त वाक्य, मतलब जिसमें दो वाक्यांश हैं जो किसी पर आधारित नहीं है वो, लेकिन ये कंजंक्शन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं। सिंपल सेंटेंस को लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमें वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर हमें लिखना है, बनाना है, तो हमें एक मेन क्लॉज रखना होगा और हमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाकर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लिखने होंगे और उन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ हमें जोड़ना होगा। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लिस्ट और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, इस वीडियो में भी आपको फ़ोटो मिलेगा और मैं ग्रुप में भी इसका आपको फ़ोटो भेज दूंगा। तो इस तरह से अब जब हम एक्टिविटी में जाएंगे तो हमें सेंटेंस को पहचानने में भी आसानी होगी और हम इनको सिंपल से कंपाउंड भी कर सकते हैं, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल भी सकते हैं क्योंकि हमें इनकी संरचना के बारे में पता चल चुका है। और इनके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आपको क्लॉज टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा। जब आप क्लॉज को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको इसको समझने में आसानी होगी।